आखिर एकता की नागिन महक को हुआ क्या? अचानक से क्यों लगाना पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर? जी हाँ, इस वक्त नागिन सिक्स फेम एक्ट्रेस महक चहल को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक्ट्रेस इन दिनों अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि महक पिछले 8 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि महक की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर तक लगाया गया। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर महक को हुआ क्या? तो इस बारे में खुद महक ने ही हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सब कुछ बताया है और ये भी कि आखिर इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है। महक ने खुलासा किया कि उन्हें निमोनिया हो गया था और पिछले 3 से 4 दिनों से वो आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर पर भर्ती थी। महक ने बातचीत को डिटेल में बताते हुए कहा, मैं 2 जनवरी को बेहोश हो गई थी। मुझे चेस्ट में दर्द हुआ था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। इसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महक ने आगे बताया कि जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो सिटी स्कैन में पता चला कि उनके दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन था। महक कहती है, मैं अभी भी अस्पताल में भर्ती हूँ लेकिन अब मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे अस्पताल में भर्ती 8 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब मेरी तबीयत में सुधार है मगर अभी भी ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो जाता है। महक ने बताया कि वो बहुत डर गई थी। वो कभी भी ऐसा बीमार नहीं हुई थी। वो बेहोश हो रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। उनके लिए एक एक सांस लेना बहुत दर्दनाक था। हंस रही थी तो भी दर्द से कर्रा रही थी। महक कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बता दें कि महक ने अपने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए भी अपने फैंस और चाहने वालों को शुक्रिया अदा किया है। वहीं उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि उन्हें रिकवर होने के लिए कुछ और वक्त चाहिए जिसके बाद वो अपने फैंस को फिर से एंटरटेन करने लौटेंगी, यानी कि नागिन सिक्स का हिस्सा बनेंगी। विल महक को लेकर ये बात काफी शॉकिंग है। हालांकि अच्छी बात यह है कि महक रिकवर कर रही हैं और जल्द ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी।